नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एनसीएल हेम ऑपरेटर के पदों पर फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिया था और डीवी भी हुआ था, तो उसमें दोस्तों कुछ लोगों को यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है। ठीक, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका की दोस्तों कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया गया है। ठीक, और उनका रीजन भी दिया गया है। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए 26 जनवरी 2024 आज का डेट है। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर आज जो भी कैंडिडेट यहाँ पर कैंसिल किए गए हैं उनके यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, लगभग 188 बच्चे हैं। तो ये लिस्ट दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट के जाके देख सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर रिजल्ट 2024 कैंडिडेचर कैंसिल्ड लिस्ट आउट। इस पर क्लिक करके दोस्तों आप अपने ये नोटिस और ये लिस्ट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस में देखिए क्या निकाला गया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 26 जनवरी 2024 आज का नोटिस है और ये नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यह सूचना हेम ऑपरेटर संवर्ग के पदों में सीधी भर्ती है, तो निर्गत रोजगार अधिसूचना संख्या जो दिया गया है ये तो इसका नोटिफिकेशन कह रहे हैं। इसके माध्यम से जो आयोजित हुआ था कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा, इसी के आधार पर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनके संदर्भ में जारी की जा रही है। इसमें ऐसे चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों की सूची अनुलग्नक एक के द्वारा सूचित कर रही है जो कि मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय अनुपस्थित थे, ठीक, और या फिर मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल रहे, या संदर्भित रोजगार अधिसूचना में जो भी वहां पर निर्धारित पात्रता मापदंड था उसको अगर पूरा नहीं कर रहे थे तो उनका क्या है कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर नोटिस है ये सब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए ये टोटल 188 कैंडिडेट हैं। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो समझिए आप लोग एनसीएल से आप लोग बाहर हो चुके हैं, आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उनका यहाँ पर सीरियल नंबर है, रोल नंबर अपना मिला सकते हैं, नाम यहाँ पर मिला सकते हैं, रीजन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट यानी कि आपकी अभ्यर्थिता आप जो है रद्द कर दी जाए। यहाँ पर कैंडिडेट हैज नॉट अटेंड स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये अपना स्क्रूटनी में नहीं लेकर गए थे और जिसके कारण ये उपस्थित नहीं हुए थे। ये सब पूरा लिस्ट यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जो कि फाइनल लिस्ट यहाँ पर आ चुका है जिनका कि कैंडिडेट का रद्द कर दिया गया है। ठीक, तो अब आप लोगों का दोस्तों जो एनसीएल हेम ऑपरेटर के स्टूडेंट हैं इस लिस्ट के बाद जो अब आप लोगों का फाइनल क्या है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा एनसीएल की तरफ से। ठीक, तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं लिस्ट में जाके नाम चेक कर लीजिए, अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो समझिए आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो जाके दोस्तों ये लिस्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट वाले सेक्शन में जाके एनसीएल हेम ऑपरेटर रिजल्ट 2024 इस पर क्लिक करके लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आप लोगों का रिजल्ट है बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक, हो सकता है बहुत ही जल्द आ जाए। तो अगर आप लोग एनसीएल इन्फॉर्मेशन ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी कोई डाउट है तो आप लोग इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।